चलिए आज हम इसमें बताते हैं कि हम हेडर और फुटर कैसे अप्लाई करते हैं। एमएस वर्ड में हेडर और फुटर कैसे अप्लाई करते हैं। पहले होता है कि हेडर और फुटर होता क्या है। हेडर और फुटर एक ऐसी फैसिलिटी है जिसको एक पेज में डिक्लेयर करने से वो सारे पेजों में या जो मेन मेन ऑडिबेन पेजेस में हम सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग्स। एक डिजाइनिंग्स भी हम बना सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेडर, तो हेडर कौन सी डिज़ाइन आपको सेलेक्ट करनी है, ये सारी इतनी सारी अवेलेबल हैं। ये इंसर्ट मेन्यू में जाके होता है। जैसे हमने सेलेक्ट किया कि हमें किस टाइप की डिजाइनिंग चाहिए, हमने ब्लैंक पे अगर डिक्लेयर किया टैक्स, तो ये आ गया टैक्स। हमें क्या डिक्लेयर करना है, टैक्स टैक्स नहीं लेना है हमें। हमें क्या लेना है, एक पिक्चर्स लेनी है जो कि हमें क्लिप आर्ट से लेनी है। कहाँ से पिक, यहाँ से भी ले सकते हैं और क्लिप आर्ट से भी ले सकते हैं। तो क्लिप आर्ट में गए और पिक्चर्स यहाँ से इंसर्ट किए, देन पिक्चर को हमने बहुत ज़्यादा हाई है तो हमने पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया पिक्चर को। और यहाँ पर टैक्स लाना है, वो टैक्स हमें सिंपल नहीं लाना है, वो टैक्स हमें कैसे लाना है, यूजिंग अ वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट एक डिजाइनिंग, वर्ड को लिखने का एक डिजाइनिंग वे है जिसको हम बोलते हैं वर्ड आर्ट। जैसे हमने ऑनलाइन क्लासेस सेलेक्ट किया और ओके किया तो ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। अब हमें इसको पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट करना है, तो हम पोजीशन के अकॉर्डिंग कहाँ पे करेंगे, क्लिक किया, देन ये लिखा है टेक्स्ट रैपिंग्स। टेक्स्ट रैपिंग्स में हमें क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के द्वारा हम पोजीशन सेट कर सकते हैं टेक्स्ट और इमेज की। ये बना दिया हमने इस तरह से। अब कोई अगर हमें और दूसरा लोगो यूज करना है, लोगो यूज करना है, पिक्चर यूज करना है, तो हम कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं और इसको पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। पोजीशन कहाँ से, इन फ्रंट ऑफ में ले जाना है और यहाँ पे सेट कर देना है। तो ये देखिए हमने एक क्या बना दिया, इस तरह से एक लोगो डिजाइन किया, उसकी साइज छोटी कर दी है। ये साइज ज़्यादा बहुत ही वो है, इसलिए साइज पे क्या हो रहा है, ये डिसकनेक्ट हो रहा है, साइज को छोटा कर दिया। इस तरह से आपका ये बन गया, ये एक पेज में हुआ। और ये जैसे हमने अप्लाई किया हेडर, हेडर को अप्लाई करेंगे तो पूरे पेजों में हमारा अवेलेबल हो जाएगा। देखिए ये पेज है, ये पेज है और ये पेज है, जितने भी पेज हमारे पास अवेलेबल होंगे सभी पेजों में अप्लाई हो जाएंगे। अगर हम यही चाहते हैं कि किसी ऑडिबन में हो, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिफरेंट ऑडिबन सेक्शन में जाएंगे तो एक पेज में आएगा, सेकंड पेज में नहीं आएगा। चलिए अब करते हैं फुटर। तो फुटर कहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, पेज के नीचे साइड। फुटर पेज के डाउन साइड करते हैं। फुटर में भी क्या होता है कि हम एक ही मैटर एक पेज में करने से वो सभी पेजों में अप्लाई हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये कर दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। जैसे मोबाइल नंबर भी डालना होता है, पिन कोड डालना होता है, तो ये हम सब डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे। एक में डिक्लेयर करने से ये सभी में क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ये देखिए इसमें ये आ गया, सेकंड वाले में नहीं आया क्योंकि ये ऑडिबन में सेलेक्ट है, ये थर्ड वाले में आ गया। तो इस तरह से हमने जो ऑडिबन में किया, तो हम हेडर और फुटर को ऑडिबन में भी चेंज कर सकते हैं। वापस सभी में लाना है तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंट ऑडिबन्स को चेक से हटा देंगे यहाँ से, तो ये सभी में आने लगेगा। इस तरह से देखिए ये हमारा बन गया। पेज के जो टॉप साइड डिक्लेयर किया जाता है, तो ऊपर में हेडर डिक्लेयर किया जाता है और नीचे साइड जो डिक्लेयर किया जाता है वो कहलाता है फुटर। जैसे यहाँ पे ये फुटर अवेलेबल है, क्या है फुटर, ये हमारा हेडर और फुटर। अब आप पेज में जो अप्लाई करना चाहते हैं पेज में अप्लाई कर सकते हैं, पेज आपका अवेलेबल है, लेकिन हेडर और फुटर, फुटर्स आपका ये कहलाता है नीचे साइड के लिए और जो हेडर कहलाता है वो टॉप साइड के लिए।